नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार पाटिल है। सो जैसे ही हमने पोस्ट ग्रेजुएशन शैल्य तंत्र में ख़त्म किया तो फिर हम लॉट ऑफ क्वेश्चंस फेस किए। सो उस क्वेश्चंस जैसे थे कि आप लोगों को शैल्य तंत्र ख़त्म होने के बाद आप लोग सर्जरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो मतलब वेदर यू आर कॉम्पिटेंट और नॉट, और ये होने के बाद वो पूछेंगे कि तुम लोगों को मतलब लीगली अलाउड है या नहीं अलाउड है और क्या क्या सीखते हैं हम। तो फिर ये सोसाइटी में पेरेंट्स में बहुत कुछ कन्फ्यूजन्स और इसके बारे में द्वंद्व है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने थोड़ा कंपेल किए मतलब हमारा सिलेबस क्या है कि हम क्या क्या सीखते हैं और लीगली क्या क्या कोड क्या बोलता है हमारे, मतलब जो मॉडर्न डेवलपमेंट हुए हैं, जो मॉडर्न इन्वेंशंस हुए हैं फिजिक्स में या मेडिकल साइंस में, वो हम अपना सिस्टम में अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और हम लीगली प्रैक्टिस मतलब सर्जिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अप टू कौन से हद तक कर सकते हैं, इसका सभी का क्वेश्चंस का मैंने जवाब ढूंढने का प्रयास किया। उसमें जो भी मेरे को डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हुए तो फिर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। सो पहले से मैं पॉइंट से जाने से पहले प्रोफेसर जीडी सिंघाल साहब के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। उन्होंने शिशु संहिता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कुछ कमेंट भी लिखे है, उसको बोले कि एंशियंट इंडियन सर्जरी। डॉक्टर जीडी सिंघाल साहब ए एचओडी ऑफ द पीडियाट्रिक सर्जरी एंड जनरल सर्जरी का एचओडी रह चुके हैं बीएचयू में। ही इज़ द पायोनियर ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी इन इंडिया, और ये चेयरपर्सन भी रह चुके हैं फर्स्ट पीडियाट्रिक सर्जरी का कॉन्फ्रेंस में इन इंडिया में। उनका एक वर्डिंग में यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो सुश्रुता को वो फादर ऑफ द सर्जरी, एटलीस्ट फादर ऑफ इंडियन सर्जरी तो बोलना चाहिए था। तो फिर वो बोलते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एक्चुअली सुश्रुता इज द फादर ऑफ सर्जरी बोलना चाहिए, ऐसा जी डी सिंघाल साहब का मानना है। अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि बीएमएस लोग सर्जरी के इन रिलेशन टू द सर्जरी क्या क्या सीखते हैं। तो ये फर्स्ट पेपर है, ये मैंने CCIM के वेबसाइट से डाउनलोड किया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप चाहे तो वहाँ क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो वो फर्स्ट पेपर में संज्ञाहरण मतलब एनेस्थेसिया, स्टेरलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स, ये मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, और उसी का दूसरा भाग में यहाँ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स इन सर्जिकल प्रैक्टिस, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, सो उसके बाद एक्सरे, इमेजिंग टेक्निक्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिड बेस बैलेंस, न्यूट्रिशन और वूंड्स, ये फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं। सेकंड पेपर में सिस्टम वाइज है, जैसे डिसीज ऑफ द बोन्स, क्रेनियो सेरेब्रल इंजुरीज, डिसीज ऑफ स्पाइन, ब्रेस्ट, इसोफेगस, तो अब्डोमिन, पैंक्रियाज, स्प्लीन, ये सभी बीएमएस वाले थ्योरी पार्ट में पढ़ते हैं। उनका प्रैक्टिकल जो है, जो उनको प्रैक्टिकल का दिया गया है यहाँ, तो फिर वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन सीखना चाहिए उनको, और ये सर्कमसेशन, हाइड्रोसेल, हर्निया, वैसेक्टोमी, हेमरेक्टोमी, फिस्टुलेक्टोमी, फिशरेक्टोमी, एपेंडिसेक्टोमी, कोलेस्टेरॉइडेक्टोमी, इतना वो ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। सो ये करेगा कौन, जो शैल्य तंत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो इन लोगों को सिखाएगा। तो हम ये देखेंगे अब कि शैल्य तंत्र वाले जो सीखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में उसका प्रेजेंट सिलेबस क्या है।
सो ये उनका फर्स्ट प्रेजेंट सिलेबस है, ये फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर, ईच पेपर कैरीज 100 मार्क्स। सो उनको सेप्सिस, एंटीसेप्टिस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सुचरिंग मटेरियल्स, शॉक, हेमरेज, हेमोस्टेसिस, बिनाइन एंड मेलिग्नेंट नियोप्लाजम्स, ऑन्कोजेनेसिस एंड द जेनेटिक ऑफ कैंसर्स, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड बेस बैलेंस एंड न्यूट्रिशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऐसा उनका फर्स्ट पेपर में बेसिक्स ऑफ द सर्जरी है। और ये जनरल सर्जरी का सेकंड पेपर में उनको, सेकंड पेपर में, और उसका साथ साथ यूरोलॉजी को उसको इन्होंने ऐड किया है और ऑर्थोपेडिक्स भी ऐड किया है। सो थर्ड पेपर में आता है, मतलब पूरा जी आई ट्रैक्ट आता है, ओरल, इसोफेगस, स्टमक, पैंक्रियाज, अब्डोमिनल मसल्स, लार्ज इंटेस्टाइनल, ये मतलब अब्डोमिन में आ गया, अब्डोमिनल ऑर्गन्स के बारे में सर्जिकल डिसीजेस आ गए। तो उसके बाद एंडोस्कोपी, एनेस्थेसिया एंड थेरेपेटिक लैप्रोस्कोपी के बारे में उनका पढ़ना है, उनको पढ़ना है। फोर्थ पेपर में सो ये प्लास्टिक सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक एंड हिस्ट्री, एथिक्स एंड सर्जिकल एथिक्स, मेडिकल लीगल इश्यूज, इनके बारे में इनको फोर्थ पेपर में ये पढ़ना चाहिए। सो जो भी शल्य तंत्र कंप्लीट करेगा वो लोग इतना पढ़ लेते हैं। सो ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक आदमी एमएस शल्य तंत्र खत्म होने के बाद उतना उनके नाम के आगे सफिक्स में डिजिग्नेशन क्या डालना है उनको, ये भारत का राजपत्र है, मतलब द गैजेट ऑफ इंडिया, ये आपको सीसीएम वेबसाइट में मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। यहाँ मेरे को आपको ये दिखाना है, ये सभी दिए है, मतलब काय चिकित्सा वालों को क्या डालना चाहिए ऐसा। सो ये आयुर्वेद धन्वंतरी शल्य सामान्य जो कंप्लीट करेगा वो एम एस आयुर्वेद जनरल सर्जरी, MS IU जनरल सर्जरी, ऐसा उनके नाम के आगे लिख सकता है। ये हमको भारत राजपत्र में मिल जाएगा आपको, मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा उसका लिंक का, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और मेरे को ये दिखाना है इन लोगों को कॉलेज वालों ने क्या क्या सिखाना चाहिए, किसके लिए उनको ट्रेन करना चाहिए। दस वो मतलब शल्य शालाक्य स्त्री रोग में जो भी सीखेगा उसको इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर में ट्रेनअप करना चाहिए, टेक्निक्स में ट्रेनअप करना चाहिए, सर्जिकल परफॉर्मेंस में ट्रेनअप करना चाहिए। आई रिपीट, सर्जिकल परफॉर्मेंस में उनको ट्रेनअप करना चाहिए फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव स्पेशलिटी। सो हम इस राजपत्र से क्या इन्फॉर्मेशन लिए, एक हमने इन्फॉर्मेशन लिया हमके नाम के आगे किसके लिए हम के मतलब क्या डाल सकते हैं, और कॉलेज वाले जो भी एम एस शल्य करेगा और स्त्री रोग करेगा उसका स्पेशलिटी में किसके लिए, कौन सा इंटेंशन के लिए और क्या क्या किसके लिए उनको ट्रेनअप करना चाहिए, मतलब जो राजपत्र में है। मैं एक कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का मतलब दिखाना चाहूँगा, डॉक्टर मुख्तियार चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो केस हुआ था। सो उसमें कुछ लाइन में आपका आपको दिखाना चाहता हूँ, मतलब ये बोलते हैं कि जो भी अपना स्पेशलाइजेशन प्रैक्टिस करना चाहता है वो ECG और एक्सरे, कंप्लीट ब्लड पिक्चर वगैरह, जो भी एडवांसमेंट हुए हैं तो वो एक्सेट्रा करके लिखे हैं उन्होंने, सो फिर वो हम अपना प्रैक्टिस में अडॉप्ट कर सकते हैं। वो मुख्तियार चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का वर्डिक्ट है। ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये RTI शायद उन्होंने मंगवाया है, तो फिर उन्होंने क्लियर कट पूछा है वेदर द डॉक्टर्स ऑफ आयुर्वेद आर बैंड टू कंडक्ट द सर्जरी। तो फिर उसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आंसर देता है नो, और इफ सो the details thereof, whether the government processes to allow the doctors of Ayurveda to perform the surgery, and if so the details thereof, and if not the reasons thereof. उन्होंने दो questions पूछे, whether banned, उसका reason, not banned, so उसका details चाहिए हमको। तो first questions को उन्होंने answer दिया है no, मतलब
they can perform the surgery. They are not banned to conduct the surgery. So B से लेकर D तक उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है. उसमें मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ जो भी वो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कंडक्ट करते हैं इन आयुर्वेदा में एंड दे वांटेड टू प्रोड्यूस द एक्सपर्ट आउट ऑफ दैट सो इन देयर करस्पॉन्डिंग स्पेशलिटी हु कैन कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट टीचर. उनको टीचर एफिशिएंट टीचर बनाना है उस पोस्ट ग्रेजुएशन से, नहीं तो फिजिशियन बनाना है और सर्जन्स को भी बनाना है, गायनेकोलॉजिस्ट एंड द ऑब्स्टेट्रिशियन. सो सर्जन्स उसी को बोला जाता है जो सर्जरी परफॉर्म करता है. तो फिर जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का जो इंटेंशन है वो मतलब टू परफॉर्म एफिशिएंट सर्जन, कॉम्पिटेंट सर्जन. तो ये क्लियर कट हमको मिलता है कि मतलब कोई भी शल्य तंत्र में या शालक्य में नहीं तो स्त्री रोग में जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन होगा वो अपना करस्पॉन्डिंग मतलब जो उसको स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग वो सर्जरी कर सकता है. ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और पॉइंट्स थे मैं आपके साथ शेयर करना चाहा. सो अगर आपको अच्छा लगा और आप मेरे साथ जुड़ के रहना चाहते हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग.